सब्सक्राइब कीजिए विश्वास टेक इनफो चैनल को और पास में बेल की घंटी भी दबाइए मेरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं हूं पिनाकी, मेरा चैनल विश्वास टेक इनफो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला टेक न्यूज। पहले नोकिया के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। नोकिया 6.1 स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर के साथ 5.8 इंच फुल एचडी डिस्प्ले के साथ ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड में लॉन्च हुआ था। अब एचएमडी ने कंफर्म कर दिया है इसमें आपको जल्द ही एंड्रॉइड पाई मिलेगा। उस फोन में एंड्रॉइड 9 की बीटा टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गया है। एचएमडी की तरफ से जिसने भी जो बीटा टेस्टिंग किया है उसको थैंक्स भी किया है। नवंबर की फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक के अंदर आपको ये एंड्रॉइड 9 फोन में देखने को मिलेगा। टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक्स कार एंड उसका जो सॉफ्टवेयर मेकिंग में वो माहिर है। टेस्ला अब ला रहा है नेविगेशन एंड ऑटो पायलट। टेस्ला का सीईओ इलन मस्क ने ट्वीट किया है नेविगेशन ऑन ऑटो पायलट का जो बीटा टेस्टिंग वो सक्सेसफुली हो गया है। इसमें आपको क्या होगा, जो ड्राइवर तो रहना चाहिए गाड़ी में, लेकिन आपको ऑटो पायलट के एक मूड है, उस मूड में आपको अगर देंगे आप तो वहाँ पर जो हाईवे पे अगर गाड़ी कार चलेगी तो वहाँ पर कोई रुकने का जरूरत होगा तो वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। सिर्फ एक बटन दबाने से आपको ऑटो पायलट काम करेगा। क्या जमाना आ गया, अब कार चलाने के भी लिए भी ड्राइवर नहीं लगेगा। देखते हैं क्या करते हैं। और भी कुछ बाग्स उसमें है, वो बाग्स फिक्स करके वो कुछ ही दिनों में वो उसका जो फाइनल वर्जन है वो रिवील करेगा। चलिए अब जियो के कुछ बात कर लेते हैं। जिसने भी जियो का सिम यूज करते हो वो अब कुछ वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो इंडिया का जो डॉट जो रेगुलेटिंग करते हैं वेबसाइट को, उसने कुछ वेबसाइट पर रोक लगाया गया है। वही वेबसाइट जियो सिम यूज करके जो इंटरनेट यूज करते हो वो वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके ज्यादातर आपको पॉर्न साइट ही मिलेगा और उस साइट में आपको जाने से इंडिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वेबसाइट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो वायलेट करता है। इसीलिए आप जियो भी उसमें शामिल हो गया है। जियो का जो सिम यूज करते हो वो आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हो, इसीलिए कुछ कस्टमर बहुत डिसअपॉइंटेड भी है। चलिए ठीक है, जो भी है, क्योंकि इंडिया का जो रूल्स है वो हमको मानना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मोभोय नाम की एक चाइनीज कंपनी की, जो स्मार्ट वॉच बनाने के लिए माहिर है। उसने एक एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है जिसका नाम है C2। इसमें आपको मिलेगा 1.3 इंच एमोलेड डिस्प्ले और जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वायर 2100 जो चिप, जो बहुत ही पावर एफिशिएंसी चिप है, और इसमें आपको NFC सपोर्ट, हार्ट रेट सेंसर मॉनिटर, और इसमें आपको 400 mAh की एक बिग बैटरी मिलेगा। इसमें आपको 20 डेज तक बैटरी बैकअप मिलेगा। इसका प्राइस है मार्किन डॉलर 1999, मतलब करीब $200 में आपको स्मार्ट वॉच आपको मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक कंपनी ने एक ऑफर भी दिया है, उसके साथ आपको एक ब्लूटूथ एयरपॉड भी मिलेगा फ्री। जो मोभोय का जो वेबसाइट है वहां पर जाके आप ये वॉच खरीद सकते हो। इसमें आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट की सपोर्ट भी मिलेगा। एप्पल ने कुछ दिन पहले प्रीमियम प्राइस टैग के साथ 3 फोन लॉन्च किया है, लेकिन उसमें एक कमियां है, उसमें आपको 5G सपोर्ट नहीं मिलेगा। वही बात पर मद्देनजर रखते हुए सैमसंग मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 में, जो फरवरी में होगा, वही पर सैमसंग एक 5G विथ फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगी, ऐसा कुछ रूमर निकल के आता है। हो सकता है सैमसंग की जो फ्लैगशिप फोन है, जो S सीरीज का जो फोन है S10, वही पर ये 5G और आपको फोल्डेबल डिस्प्ले मिलेगा। चलिए देखते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 में सैमसंग क्या लाता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में सैमसंग हर बारी कुछ नया नया फोन लाता है, और सैमसंग का तो S सीरीज का तो फ्लैगशिप फोन बहुत ही अच्छा माना जाता है। वन प्लस का नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 5G, क्योंकि वन प्लस का जो को फाउंडर पीट लुई ने एक ट्वीट किया है से हेलो टू 5G। स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए अभी तक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो 4.0 क्विक चार्जिंग टेक्नोलॉजी। क्वालकॉम फास्ट चार्जिंग 5.0 पर काम कर रहा है, जिसका आपको वाटेज होगा 32 वाट। लीक के अनुसार ये 32 वाट की ये चार्जर एक 4000 mAh की बैटरी को ओनली 40 मिनट को 0 to 100% चार्ज कर देगा।
कैसे चार्ज करने की जरूरत क्या पड़ेगा, बैटरी नहीं देना है, पूरा सोलर कर दीजिए ना यार। आइए आप बात कर लेते हैं लेनोवो के बारे में। लेनोवो बहुत दिन फ्लैगशिप कैटेगरी का कोई फोन लॉन्च नहीं किया है, लेकिन वो अब लेनोवो जेड फाइव प्रो नाम की एक स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें आपको मिलेगा एक नॉच नहीं, वाटर ड्रॉप नहीं, फुल एज टू एज डिस्प्ले। मतलब जो एमआई का जो मिक्स सीरीज है वही पर जो जैसे डिस्प्ले फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलता था वही डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसमें और एक खासियत है, इसमें आपको स्लाइडिंग डिस्प्ले मिलेगा। ये स्लाइडिंग करने से आपको फ्रंट का जो कैमरा वो निकल के आएगा, मतलब इसमें आपको फ्रंट कैमरा दिखेगा नहीं। अगर आप स्लाइड करेंगे तभी आपको फ्रंट कैमरा दिखेगा, जैसे आपको ओप्पो फाइंड एक्स में दिखा था। और इसमें आपको बैक की तरफ चार कैमरा मिलेगा स्नैपड्रैगन 845 के साथ, पीछे की तरफ चार कैमरा, सामने की तरफ स्लाइडिंग कैमरा और स्लाइडिंग बेजललेस एज टू एज डिस्प्ले के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग कैमरा के साथ ये फोन 1 नवंबर बीजिंग में लॉन्च होगी। दोस्तों जिसने मोबाइल में मोबाइल की ऐप के थ्रू बैंकिंग ट्रांसफर करते हो वो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जो बैंकिंग का जो ऐप है उसका डुप्लीकेट ऐप गूगल प्ले स्टोर में मिल रहा है। आप अगर वहाँ पर जाके वही डुप्लीकेट ऐप से यूजर नेम और पासवर्ड देके अगर आप एक्सेस करेंगे तो वो जो आपका पूरा डिटेल्स वो हैकर के पास चला जाएगा, वो आपको अकाउंट पूरा खाली कर देगा। गूगल प्ले स्टोर में बैंकिंग कोई ऐप डाउनलोड करेंगे जरा सावधानी से डाउनलोड कीजिए। सावधानी क्या है, आप वो ऐप डाउनलोड करने से पहले थोड़ा देख लीजिए, उसका डिटेल्स में देख लीजिए, क्योंकि जो ऐप का डिटेल्स है वो कोई नहीं दिखता, सिर्फ प्ले स्टोर में जाता है बैंकिंग ऐप है ठीक है उसको डाउनलोड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। प्ले स्टोर में आप जाके सिर्फ वही ऐप डाउनलोड कीजिए, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो रेटिंग देख के यूजर का जो कमेंट देख के फिर आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर डिटेल्स भी लिखा हुआ है, आप ऐसे देख के वहाँ पर ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन हैकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये टेक न्यूज़ यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अच्छा रहिए, थैंक यू दोस्तों, सत्यमेव जयते।